हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, यूपी एनएचएम सीएचओ एग्ज़ाम 2021 और यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2021 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में ये वीडियो है आपका पार्ट नंबर 8 यानी कि 8। और इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नर्सिंग सेक्शन से नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टॉपिक पे, जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में सबसे पहला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, उसको आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा देखा और उसके अप्रॉक्स 18,000 व्यूज हो चुके हैं। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है, बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन। लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, ये भी बताइए कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ओके, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो देर ना करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष में घोषित की? ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शंस हैं 1951 और 1983 और 1977 और 1991। तो कब आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब घोषित की गई थी? ये घोषित की गई थी आपकी 1983 में। 1983 में भारत में नेशनल हेल्थ पॉलिसी की शुरुआत हुई थी। ओके, आंसर होगा आपका बी, बी आंसर इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ICDS योजना के मुख्य कार्यकर्ता हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, आप लोगों को पता होगा। प्रशिक्षित दाई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य मार्गदर्शक और महिला स्वास्थ्य सहायक। तो ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ओके, तो ये है आपका फुल फॉर्म और इसमें जो मुख्य कार्यकर्ता होंगे वो होंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। ओके, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। फ्रेंड्स, वीडियो में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बोलने में मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक में एक आध क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझसे गलती कहीं पे हो जाती है तो ज़रूर बताइएगा, बट बताने का तरीका थोड़ा पोलाइटली रखिएगा। कुछ लोग थोड़ा अच्छे वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं। जो भी वीडियोस मिलते हैं आप लोगों को, हर वीडियोस को बनाने और टाइपिंग करने में और क्वेश्चन का कलेक्शन करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए प्लीज़ किसी भी गलत वर्ड्स का यूज़ मत करिएगा। और रही बात किसी गलत क्वेश्चंस की, तो आप कितनी भी आप स्टैंडर्ड बुक्स को ले लीजिए, कहीं ना कहीं एक आध दो गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इस आगे से कोई गलती ना मिले, और अगर कोई कहीं भी गलती मिलती है, कहीं भी मिस्टेक्स मिलती है, तो पोलाइट वर्ड्स में आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपका बी ऑप्शन इज़ राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मम्प्स का उद्भवन काल है यानी मम्प्स का एक्सपोजर पीरियड क्या है? एक्सपोजर उद्भवन काल से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी मैं एक लिस्ट आप लोगों को दे दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। ओके, तो ऑप्शन है 18 दिन, 5 दिन, 14 दिन और 10 दिन। तो मम्प्स का उद्भवन काल होता है 18 दिन, 18 डेज होता है। ओके, और इसके एक्सपोज जो इसके सिम्टम्स हैं वो 18 दिन के बाद दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो इसमें आंसर होगा आपका ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व में चेचक का अंतिम केस किस वर्ष में पाया गया? 1977, 1978, 1979 एंड 1982। कब पाया गया अंतिम केस, लास्ट केस कब रिपोर्ट किया गया? ये आपका 1977 में आपका जो लास्ट केस है वो रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 1977 में। और नेक्स्ट है, बिंदु वो पॉइंट जिस पर पानी की क्लोरीन डिमांड
पूर्ण हो जाती है कहलाता है, क्या कहलाता है? डिसइन्फेक्शन पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, सेचुरेशन पॉइंट एंड फ्री पॉइंट। तो कुछ ऑप्शन विल बी राइट, ये होगा आपका ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर पानी की क्लोरीन डिमांड कंप्लीट हो जाती है। ब्रेक पॉइंट इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर जो कि गंदे व प्रदूषित पानी में जनन करता है, कौन सा मच्छर? एनाफिलीस, क्यूलेक्स, एडीस एंड मेंसनॉइड्स। तो कौन सा मच्छर गंदे व प्रदूषित पानी में जनन करता है? तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर क्या है? गंदे पानी में। और अगर एडिस एजिप्टी जो है आपका, जो कि डेंगू फीवर के लिए रिस्पांसिबल होता है मच्छर, वो साफ पानी में क्या करता है? अपने अंडे देता है। तो इसमें आपका आंसर होगा क्यूलेक्स। एनाफिलिस, क्यूलेक्स और एडीज, ये क्या है? मॉस्किटो के टाइप्स हैं और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषणी सहारा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम है, यानी प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो न्यूट्रिशनल जो आपकी पोषण से संबंधी जो सहायता के लिए जो नेशनल प्रोग्राम चलाया जाता है, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वो है क्या? स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम और मिड डे मील प्रोग्राम और बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो मिड डे मील स्कीम यानी मध्यान्ह भोजन योजना क्या है? प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या है आपको पोषण का एक सहारा देने वाला कार्यक्रम है, और आपकी जो न्यूट्रिशनल डिमांड है, ठीक है, पोषण डिमांड है, वो मिड डे मील स्कीम से पूरी करने की कोशिश की जाती है। ओके, यानी बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी के टीके के भंडारण हेतु तापमान है। बीसीजी जिसका फुल फॉर्म है बैसिलस कैलिमिटी ग्यूरन, और इसके वैक्सीन के स्टोरेज के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन है आपका, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस एंड 6 से 11 डिग्री सेल्सियस। तो होगा आपका 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामान्य जनन दर यानी कि आपका जनरल फर्टिलिटी आपका रेट पूछा जा रहा है। यहाँ पे जी एफ टी कीजिएगा, जी एफ आर होना चाहिए, जी फॉर जनरल, एफ फॉर फर्टिलिटी एंड आर फॉर रेट। यहाँ पर जी एफ टी कीजिएगा, क्या होगा? जी एफ आर, ओके, जनरल फर्टिलिटी रेट। सामान्य जनन दर से क्या तात्पर्य है? प्रजनन योग्य आयु की प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की संख्या इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए इसको ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिए। प्रति 1000 गर्भावस्थाओं पर जीवित जन्मों की संख्या, प्रति 1000 की जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या और प्रति 1000 महिला जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या। अब इसमें आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर आपका? प्रजनन योग्य आयु की प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की संख्या, ये मानी जाती है सामान्य जनन दर। कैसे निकाला जाता है? जो प्रजनन योग्य महिलाएं हैं, ठीक है, तो प्रति 1000 महिलाओं पर जो जन्मों की संख्या, जो न्यूली बॉर्न बेबी जन्म लेते हैं जीवित, तो इसको क्या कहते हैं? जनरल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, जी एफ आर कहते हैं, और आंसर होगा आपका ए। ठीक है, ये आंसर आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिप्थीरिया में रोग प्रतिरोधक स्तर जांच की जा सकती है, कैसे जांच की जा सकती है? फेरिस टेस्ट द्वारा, लेप्रोमिन टेस्ट द्वारा, शिक टेस्ट द्वारा एंड डिक टेस्ट द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। डिप्थीरिया में रोग प्रतिरोधक स्तर जांच की जा सकती है किसके द्वारा? शिक टेस्ट द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। सिक टेस्ट द्वारा रोग प्रतिरोधक स्तर जांच की जाती है डिप्थीरिया के लिए। आपके डीपीटी वैक्सीन दी जाती है जिसको कि ट्रिपल एंटीजन कहते हैं, और ये होती है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टीकाकरण हमें किस प्रकार की इम्यूनिटी देता है? वैक्सीनेशन से हमें किस प्रकार की इम्यूनिटी मिलती है? आर्टिफिशियल, इनएक्टिव, इनएक्टिव, नेचुरल और एक्टिव। तो ये मिलती है आपको एक्टिव इम्यूनिटी, डी ऑप्शन इज राइट। एक्टिव इम्यूनिटी आपको मिलती है टीकाकरण से, यानी डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी मल्टीपर्पज वर्कर की अनुशंसा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, किस कमेटी के द्वारा की गई थी? चड्ढा कमेटी द्वारा, मुखर्जी कमेटी द्वारा, बोर्ड कमेटी द्वारा, मुदलियार कमेटी द्वारा। तो चड्ढा कमेटी के द्वारा क्या किया गया था, 1,000 की जनसंख्या पर मल्टीपर्पज वर्कर की रिकमेंडेशन की गई थी चड्ढा कमेटी के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिटी हेल्थ में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करिए, जिससे आप लोगों का मूल्यांकन हो सके, आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने 20 में, टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, और आपने कितने क्वेश्चंस आपने इसमें सही करे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूक्ष्म जीव की रोग उत्पन्न करने की क्षमता कहलाती है। एक सूक्ष्म जीव की रोग उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? पैथोजेनेसिटी, बी वायरलेंस, सी इन्फेक्शन, डी इम्यूनिटी। ठीक है, रोग उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? पैथोजेनेसिटी, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। एक सूक्ष्म जीव की रोग उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? पैथोजेनेसिटी, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवाणुओं द्वारा भोजन खराब होने से बचाने हेतु पाश्चुरीकरण विधि का विकास किसने किया था? किसने किया था? जीवाणुओं द्वारा भोजन खराब होने से बचाने के लिए जो पाश्चुराइजेशन मेथड होती है, उसका विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर, लुइस पाश्चर, जोसेफ लिस्टर और रॉबर्ट कोच ने। तो लुइस पाश्चर ने क्या किया था, पाश्चुराइजेशन मेथड की खोज करी थी। और आप लोग जानते हैं कि जो हमारे घर में दूध का पैकेट आता है, वो कोई भी हो, अमूल हो या कोई भी हो, तो उस दूध का क्या होता है, पाश्चुराइजेशन किया जाता है। और उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहले गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद उसे कुछ मिनट के लिए उसे ठंडा किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, जो भी उसमें बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, और वो दूध कुछ दिनों के लिए सेफ हो जाता है, बशर्ते कि आप उसको बॉयल करिए या फिर लो टेम्परेचर में रखिए, अदरवाइज जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इन्होंने इस विधि का विकास किया था, और इन्होंने कॉलरा जो है इसका भी इन्होंने क्या, वैक्सीन की खोज करी थी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा लुईस पाश्चर, यानी बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ बिल कब मेंटल हेल्थ एक्ट बना? जो आपका मेंटल हेल्थ आपका बिल है, वो मेंटल हेल्थ एक्ट कब बना? तो ये आपका कब बना, 1990 में, 1912 में, 1987 में, 1985 में। तो 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट बना, 1987 में। ओके, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा टीका जन्म के बाद 12 घंटे के भीतर नवजात को लगाया जाता है? 12 घंटे के बाद भीतर न्यूली बॉर्न बेबी को कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो रोटा वायरस, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी एंड रूबेला। ठीक है, तो ये दिया जाता है आपका हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन 12 घंटे के भीतर न्यूली बॉर्न बेबी को दिया जाता है, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिकन पॉक्स का औसत उद्भवन काल क्या होता है, एवरेज एक्सपोजर पीरियड क्या होता है चिकन पॉक्स का? ऑप्शन है 30 से 35 दिन, 1 से 2 दिन, 25 से 30 दिन, 10 से 21 दिन। फ्रेंड, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए मैं ज़्यादातर एमसीक्यूज वाले ही वीडियोस बना रहा हूँ, आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने में
एग्जाम जैसा माहौल मिल सके, इसलिए मैं एमसीक्यूज दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन होगा 10 से 21 दिन। 10 से 21 दिन क्या होता है? एवरेज एक्सपोजर पीरियड औसत भवन काल होता है चिकन पॉक्स का। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन है आप उसको देखेंगे, समझेंगे और उस पर थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ होती है रिवीजन। जो भी आप ज़्यादा भी जितना भी रिवीजन करेंगे लास्ट टाइम में, वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट हमारा प्लेटलेट संख्या घटती है, किसमें घटती है? मलेरिया में, फाइलेरिया में, डेंगू में, टाइफाइड में। इजी क्वेश्चंस है और आपको पता होगा डेंगू में प्लेटलेट संख्या क्या होती है, घटती है एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा। ये होता है और ये मच्छर विशेषकर दिन में काटता है और सितंबर मंथ्स में जो नॉर्थ इंडिया है इस साइड में बहुत ज़्यादा कई बार केसेस मिलते हैं देखने के, डेंगू में एडिस एजिप्टी मच्छर काटता है। ठीक है, इसमें तेज़ बुखार आता है और बहुत ही ज़्यादा शरीर में दर्द होता है। प्लेटलेट संख्या घटती है डेंगू में। सी ऑप्शन इज राइट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चावल के पानी जैसे दस्त किसके लक्षण है? राइस स्टूल। ओके, किसके लक्षण है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कॉलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री एंड नन ऑफ दीस। तो ये कॉलरा में क्या होता है, जो राइस स्टूल होते हैं वो कॉलरा में होते हैं और दूषित भोजन और पानी के माध्यम से आपका फैलता है कॉलरा, और ये इसके लक्षण है कॉलरा के, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हैजा भी कहते हैं कॉलरा को। तो ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैदानी इलाकों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कवर की जाने वाली जनसंख्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 40,000, 30,000, 5,000 और 20,000। तो 30,000 की जनसंख्या पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर को स्थापित किया जाता है। ओके, प्रति 30,000 जनसंख्या पर आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाता है। आपका आंसर क्या सही होगा? बी। फ्रेंड्स, ये रहे आपके सुपर टॉप 20 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और ऑल नोटिफिकेशन को आप प्रेस करेंगे तभी आपको हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको फ्री PDF और सभी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको उसमें मिलती रहेंगी। आप उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि और लोगों को भी इसका एडवांटेज मिल सके। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोज और चाहिए, और आपको वीडियो कैसा लगा, आपके कितने टोटल क्वेश्चन सही हुए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।